एनएसयूआई के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष प्रवीण मिन्हास ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन दिनों शिक्षकों की भर्तियां की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन भर्तियों में धांधली हो रही है और विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा वाले लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है। प्रवीण मिन्हास ने कहा कि विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति से कई बार उन्होंने बात करने की कोशिश की और ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन कुलपति द्वारा एनएसयूआई को हर बार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है और जिस तरह से छात्रों की समस्याओं को दरकिनार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उन सबको उजागर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना आए हैं और आपके समक्ष हम कुछ तथ्यों को लाना चाहते हैं। अभी हाल ही में पिछले एक साल से विश्वविद्यालय में टीचिंग जो सेक्शन है शिक्षकों की भर्तियां की जा रही है और जहां तक हमने देखा है उसमें जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, जो यूजीसी का रूल 6.0.1 कहता है कि जो विश्वविद्यालय में कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें जो एकेडमिक रिकॉर्ड है अभ्यर्थी का या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर विश्वविद्यालय में भर्ती होनी चाहिए, परंतु अभी हाल में देखा गया है कि UIIT में जो है वो PhD धारक जो अभ्यर्थी था उसको साइडलाइन करके एक MTech के विद्यार्थी को वहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया गया है। अभी हम देखें तो जब भी जो है विश्वविद्यालय में आवेदन करता हूँ कि स्क्रूटनिंग होती है तो उसमें उसकी जो लिस्ट होती है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है और आज से पहले विश्वविद्यालय में जितनी भी भर्तियां टीचिंग की हुई है उसमें जो लिफाफे खुलते थे लास्ट में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग होती थी उसमें खोले जाते थे, परंतु अब विश्वविद्यालय में हाल ये है कि अगर आज इंटरव्यू होता है तो कल ही वाइस चांसलर जो है वो उन लिफाफों को खोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के सदस्य सरकार द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं उनको स्पेशल DA और DA दिया जाता है। हर महीने जो है वो विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है वो रेगुलर हो रही है और किस कारण या किन वजहों से जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा जो है VC को ये पावर दी गई है। और एक बात ये भी है कि विश्वविद्यालय में जब भी कोई पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसकी जो एक समय सीमा होती है वो एक साल तक वैलिड होती है, परंतु अभी जो 21 नवंबर 2020 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा जो एक वहाँ पे प्रस्ताव पास किया जाता है कि जो उसकी रीएडवर्टाइजमेंट ना करके उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है जो वहाँ पे पोस्टे टीचिंग सेक्शन में निकली हुई है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि पिछले एक साल में विश्वविद्यालय में हजारों जो छात्र है वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जो वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर है वो एक साल में कई रिसर्च स्कॉलर अपनी PhD जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्या उनके लिए जो है वो समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या विश्वविद्यालय तो जो है वो इस पोस्ट को रीएडवर्टाइज नहीं कर सकता है? जो इन सभी कारणों से जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन भर्तियों में जो धांधलियों की बू जो है वो आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।